सुबह का समय था, हमारा वहाँ से निकलने का समय हो चुका था। गाड़ी जहाँ पे पार्क किया था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ था, तो थोड़ा सा गाड़ी को ऊपर की तरफ क्लाइम करवाना पड़ा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जिस लोकेशन पे हमारा होटल था, थोड़ा सा नैरो लेन्स थे, वहाँ से फिर हम निकले। बहुत ही सुंदर सा रास्ता था। आज का दिन थोड़ा लंबा होने वाला था क्योंकि डिस्टेंस उतना लंबा नहीं था, लेकिन जो रास्ते थे वो हमें पता नहीं थे, तो हमें लगा थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। सनरूफ से हम देख रहे थे पूरे, ऐसे पेड़ दिख रहे थे, ब्लू स्काई, ग्रीन पेड़ दिख रहे थे। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही थी, बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर था। मतलब ये वीडियो में आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो वहाँ पे ग्रीनरी थी और जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, बहुत ही अमेजिंग था। बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, ऐसा नहीं मनाली जितना भीड़ नहीं था, बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस था। तो अभी हम लोग मुक्तेश्वर से अलमोरा के रास्ते में जा रहे हैं। ये देखिए आसपास में पूरे गांव हैं, कंटिन्यूसली गांव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जंगल वाला रास्ता है, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं बीच बीच में। सुंदर से व्यूज हैं, छोटा सा रोड है और यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई यहाँ गाड़ी चलाने के लिए। बहुत ही पीसफुल विलेजेस हैं, बिल्कुल भी ऐसा आवाज़ या कुछ आपको सुनाई नहीं देगा यहाँ पे। सिंपल लाइफ जीते हैं ये लोग। ये देखिए ये लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं शायद यहाँ पे, और नहीं कुछ काम कर रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे गांव हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने गाय पाला हुआ है। ऐसे रास्तों पे ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है, जहाँ पे आप लोकल लाइफ देख सकते हैं कैसा होता है, क्या है। यही असली ट्रिप होता है, इसलिए रोड ट्रिप्स मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। ये रोड ट्रिप्स में आपको वो जगह का फील आता है, जिन गांवों से आप गुजरते हैं उन गांवों का फील आता है, और वो फील इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग फ्लाइट वाइट पकड़ के चले जाते हैं, ऑफकोर्स जब टाइम की कमी होती है तब ऐसा करना पड़ता है, बट जहाँ तक हो सके मैं तो रोड ट्रिप प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लोकल चीज़ों को हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ये देखिए सामने क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया। तो ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते आराम से रुका रुका के जा रहे हैं। यहाँ पे आसपास एक मुझे लगता है रिजॉर्ट भी है, काफी ऐसा मतलब बहुत ऐसा टूरिस्ट वाला एरिया नहीं है, थोड़ा लो प्रोफाइल एरिया, इसके लिए थोड़ी सी शांति बनी हुई है यहाँ पे। बट व्यू देखिए पूरा रेंज नंदा देवी से लेके आई थिंक पूरा फुल स्पेक्ट्रम दिख रहा है यहाँ पे। और मैडम को भी शायद यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है। इतना ठंड कहाँ है? आपने दो स्वेटर पहने, मैंने क्या पहना है? आंटी दो स्वेटर कहाँ है, एक ही तो स्वेटर पहना है। फिर रास्ते में एक बहुत ही अमेजिंग स्पॉट हमें दिखा, वहाँ पे मैंने गाड़ी रोक दिया। यहाँ पे जो व्यू था एकदम अमेजिंग व्यू था। थोड़ा बहुत हम लोग ने टाइम पास किया, फिर वहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉट था। जब हम ड्राइव पे जाते हैं अक्सर हमें, फिर हम पहुँच गए, दोपहर का समय था। जिस जगह पे हम रह रहे थे अल्मोरा में, वो जगह का लोकेशन ही अमेजिंग था। ये देखिए कैसा पूरा ग्रीन एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। भाई ये रिजॉर्ट से तो कुछ अलग ही खतरनाक व्यू है।
वहाँ पे लगा दिया गाड़ी। ये रास्ता है भाई, ये ना एकदम टॉप ऑफ द हिल है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपैरेटिवली जो आसपास के एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंड यहाँ पे होने वाली आज रात को। ऑलरेडी थोड़ा सा जम रहा है। पूरा रिजॉर्ट खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है ब्रेकफास्ट पे, सिर्फ हम दोनों हैं। शायद कोविड की वजह से कोई आया ना हो, बट पूरा एकदम प्राइवेट एक्सपीरियंस मिल रहा है हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं, चाहे वो मुक्तेश्वर था या चाहे वो अल्मोरा हो। पूरा खाली है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरा खेलने का एरिया है। यहाँ के इंटीरियर्स बहुत पसंद है। बाहर ये देखिए ऐसा पूरा बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्लब हाउस है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट और खाना वगैरह होता है। उस लैंडस्केप में गाड़ी कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था वहां पे वो व्यू। कुछ मत करो, बस आराम से लेट जाओ, सामने व्यू के मजे लो, बर्फीले पहाड़ देखो। तो यहाँ से जाने का समय आ गया है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर सा जगह है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। आखिरी बार ये वादियों को यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, फिर अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त था यहाँ पे, बहुत ही शांति थी। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आराम से फुल ऑन रिलैक्स करने के लिए आ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आने के लिए एक्सेस रोड जो था वो थोड़ा सा ख़राब था, बट अदरवाइज़ बाकी तो एकदम ज़बरदस्त है। ज़्यादा कुछ ऐसा टूरिस्ट यहाँ आपको दिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे फ़ोटो खींचते हुए, ऐसा नहीं है। आराम से शांति से आप अपना गेट अवे कर सकते हैं इस जगह पे। मुझे तो बहुत पसंद आया यार ये जगह। अल्मोरा से कुछ 30 किलोमीटर दूर है, बट अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यार बहुत ही सुंदर सा जगह है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। पूरा ग्रीनरी है और मैं याद रखूँगा ये एक्सपीरियंस। तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, मैंने हिल डिसेंट मोड जो है वो एक्टिवेट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे उतर रहे हैं तो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हिल डिसेंट मोड। एक बार आपको दिखा देता हूँ, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है ये, आप देख रहे हैं, और नीचे की तरफ गाड़ी जा रहा है। तो हिल डिसेंट मोड भी इसका बराबर चल रहा है, रफ मोड भी लगा लिया है मैंने। ये भाई यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है, बहुत ही छोटा सा रास्ता है और यहाँ पे हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं। एकदम कट टू कट नीचे खाई और एकदम कट टू कट जा रहा था और लेफ्ट साइड पे मेरे को नीचे दिख ही नहीं रहा था। हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार में जस्ट थोड़ा सा ये घर है,
खेत है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का व्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। क्या अमेजिंग जगह है यार ये। सिटी की इतनी बैंड के बजा रहे हो।